Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, पढ़ो रिंटो गैदर. उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे. स्टूडेंट्स, आज आपकी वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डेट शीट के अनाउंसमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ. क्योंकि आपके पेपर स्टूडेंट लास्ट वीक ऑफ मई में क्या होने वाले हैं, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं. ठीक है, मई के आखिरी में एग्जाम्स होने वाले हैं और मई का महीना भी स्टूडेंट स्टार्ट होने वाला है. और अब तक आपकी डेट शीट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है. आखिर ये डेट शीट आएगा कब, किस तरीके का डेट शीट होगा, पेपर कब होंगे, किस तरीके के पेपर होंगे और क्या क्या चीजें इसमें होंगे, मॉर्निंग के पेपर किसके होंगे, इवनिंग के पेपर किसके होंगे, तमाम डिटेल आज की वीडियो में स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो चलो आज जो वक्त को जाया किए बगैर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आपको मुझे मैसेज करना है. तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, आपको तमाम इंफॉर्मेशन बोर्ड से रिलेटेड जो जो चीजें होंगी वो तमाम चीजें आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके बोर्ड के पेपर के लिए क्या हो सके, अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके. नंबर और अब आपके पेपर होने में 20 डेज तकरीबन रह गए. ठीक है, तो आपके जो ये जो आपके पास जो डेट शीट है ना स्टूडेंट, अब इसी वीक के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, आपके डेट शीट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी. फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की जो डेट शीट होगी, साइंस ग्रुप, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स, उन तमाम स्टूडेंट्स के क्या होंगे, आपकी डेट शीट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास जो है मॉर्निंग शिफ्ट जो होगी, अकॉर्डिंग टू आपके जो बोर्ड की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है, मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर्स होंगे स्टूडेंट वो होंगे आपके पास किसके होंगे, आप प्री इंजीनियरिंग के, ठीक है, उसके साथ साथ प्री मेडिकल के भी होंगे. ठीक है, प्री मेडिकल के होंगे पहले फेज के अंदर. ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास जो इवनिंग शिफ्ट होगा स्टूडेंट, तो इवनिंग शिफ्ट के अंदर आपके पास क्या होंगे, कंप्यूटर साइंस के पेपर होंगे. ठीक है, याद रखना. तो पहला फेज जो स्टार्ट होगा, उस पहले फेज के अंदर, फर्स्ट फेज के अंदर स्टूडेंट क्या होगा, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल के पेपर साथ होंगे और साथ साथ कंप्यूटर साइंस के कब होंगे, इवनिंग शिफ्ट में पेपर होगा. ठीक है, पहले फेज में इनके एग्जाम स्टार्ट होंगे जो कि कब होगा स्टूडेंट, लास्ट वीक ऑफ मे में. ठीक है, लास्ट वीक ऑफ मे में स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही इनका पेपर खत्म होगा तो सेकंड फेज स्टार्ट होगा और सेकंड फेज के अंदर स्टूडेंट किसके पेपर स्टार्ट होंगे, आपके पास कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पेपर स्टार्ट होंगे जो कि मॉर्निंग वो आई थिंक सो इवनिंग में होगा और आर्ट्स के पेपर मॉर्निंग में होंगे. ठीक है, लेकिन खैर ये तमाम चीजें तो डिस्कस हम कर रहे हैं कि इस तरीके से होगा या नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियल जो है वो बोर्ड की तरफ से जब आपके सामने डेट शीट आएगी तो आप देखते साथ ही पहचान जाओगे. इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि मॉर्निंग क्या इवनिंग क्या हो रहे, बस ये याद रखना प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग का पेपर बिल्कुल अलग होगा. ठीक है, दोनों का एक साथ पेपर होगा, जबकि कंप्यूटर का जो पेपर होगा वो बिल्कुल इन दोनों से क्या होगा, अलहदा होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंस रखना कि लास्ट टाइम जिस तरह से पेपर हुआ था अलग अलग, उसी तरह से इस साल भी क्या हो रहा है, दोनों के पेपर अलग हो रहे हैं, तो पेपर दोनों के मुख्तलिफ बनेंगे. उर्दू का पेपर इनका भी अलग होगा तो इनका भी अलग होगा, मतलब प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के एक जैसे पेपर बनकर के आएंगे, जबकि कंप्यूटर साइंस के क्या होगा स्टूडेंट, अलग पेपर बनकर के आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका पूरा डेट शीट को मैंने डिस्कस किया है. ठीक है, जैसे ही डेट शीट अनाउंस होगी तो आपको मालूम है पढ़ो लर्न टुगेदर, पढ़ो लॉजिक टुगेदर आपको सबसे पहले तमाम चीजें आपके बोर्ड से रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं. तो मैं आपको ये कहूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन फौरन से और वक्त पर मिल सके. बोर्ड से रिलेटेड जो भी पहला पेपर होगा तमाम चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, पूरा एक्टिव रहूंगा आप लोगों के लिए आपके पूरे एक पूरा जो पेपर होगा एक महीने का उसमें. तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखो स्टूडेंट, अपने एक दिन का ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.